प्रोटेस्ट का जो हमारा मेन उद्देश्य था वो ये था कि जिस प्रकार देश के अंदर और राज्य के अंदर इतना अनरेस्ट फैला हुआ है, आज आप देखिए कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर किस प्रकार से एक लाठी चार्ज महिलाओं के ऊपर किया गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो है ये नारा देते हैं, उस नारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल विफल है। इस तरीके की जो योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर किया उसके लिए हम कड़ी निंदा करते हैं। पूरे राज्य के अंदर पूरे देश के अंदर इस चीज़ के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हम बिल्कुल कड़ी निंदा करते हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके लीडर्स की। दूसरा हमारा जो मेन मुद्दा था वो ये था कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह और इनकी कैबिनेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस चीज़ पर मैंडेट लिया था यहाँ पर राज्य के अंदर, उन्होंने यहाँ पर हिंदुओं का नारा दे देकर लोगों को बरगलाया, उसके बाद आज उन्हीं लोगों के साथ राज्य के अंदर जम्मू के लोगों के साथ ये भेदभाव कर रहे हैं। महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के लिए जो एक डिमांड रखी गई हर एक कम्युनिटी की तरफ से, हुए डुग्गर प्रदेश के महाराजा थे पूरे राज्य के महाराजा थे, उनकी छुट्टी के ऊपर ये विफल रहे। वहां पर जाकर ये कहते हैं कि मैंने महबूबा मुफ्ती को चिट्ठी लिखी, अरे आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, जम्मू के लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो के इस तरीके की बात करते हो कि मैंने चिट्ठी लिखी। आपको वहां पर जीएडी को इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए थी, वहां से आपको लेटर इश्यू करवाना चाहिए था, उसके बाद आपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ बात करनी चाहिए थी और उस छुट्टी को लागू करवाना चाहिए था। हमारी सरकार थी जब कांग्रेस की यहाँ पर कॉल्यूशन में, उस समय हमने यहाँ पर जब डिमांड उठी हरि सिंह पाक की, उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे गुलाम नबी आजाद साहब, हमने हरि सिंह पाक दिया। जब वहां पर स्टैचू की बात उठी कांग्रेस ने वहां स्टैचू लगाया। अब ये छुट्टी की बात पिछले 2 साल से उठ रही है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बिल्कुल विफल रही है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, जिस चीज के मैंडेट के ऊपर इन्होंने लिया उसी चीज के ऊपर हम राज्य के अंदर और देश के अंदर जिस प्रकार का अनरेस्ट फैला है उसके लिए हमने आज यहाँ प्रोटेस्ट रखा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर है सरकार के अंदर और सरकार के हेड है यहाँ पर बीजेपी की तरफ से, इसलिए आज हमने इनके घर का घेराव पूरी की पूरी तमाम यूथ कांग्रेस